नहीं मैं क्या है जैसे ज्यादा जाऊंगा नहीं, बैटरी नहीं है ना मेरे पास। हाँ नहीं ठीक है, बड़ी चौपड़ तक तो जाओगे ना। हाँ बड़ी चौपड़। तो ये आपका कौन सा था जहाँ से हम बैठे? ये है रामगंज। रामगंज से? रामगंज से बड़ी चौपड़। ठीक है चलेंगे ना, क्या दिक्कत? तो ज्यादा कहीं जैसे सीधे जाओगे तो छोटी चौपड़ आ जाएगी। हाँ छोटी चौपड़ वो तो है। आगे जाओगे चांदपुर, राइट की तरफ चलोगे तो सुभाष चौक, रामगढ़ मोड़, आमेर, आमेर तक जाएगा। और रोल साइड इधर लेफ्ट पे चलेंगे तो सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, वो सब उधर ही है। उधर गाड़ी है, सब इधर है। सही है, सही है। और ये यहाँ अभी हम कहाँ आ गए? ये अगर आप आना है कल्लू की होटल, कूटा कुर्रा। कल्लू की होटल? ये कल्लू की होटल है। ये कल्लू की होटल है? ये फेमस है। ये कौन से वाली? इनके बाप दादाओं से ये दिखे इस्लामिक कल्लू। अच्छा ये कल्लू होटल के नाम से फेमस है, मशहूर है ये। और मस्जिद रहमानिया, यहाँ कौन से मुसलमान है, सिया है कि सुन्नी है? सुन्नी है। सुन्नी है सर? सिया तो बहुत कम है। कम है क्या? ना के बराबर है, इक्का दुक्का होगा होगा। अच्छा अच्छा, उनकी मस्जिदें होंगी ना? हाँ मस्जिद है वो अपने इधर है, सुभाष चौक की साइड पे। अच्छा वो उधर है क्या? एक ही है बस उनकी। अच्छा एक ही है क्या? हाँ, और एक है उधर अपने खोर की साइड पे उधर। अच्छा भाजी उतारते हैं एक मिनट। सुन्नी मुसलमान ज्यादा है यहाँ? सुन्नी ज्यादा। ऐसा ही है तो होटल के। तो ये फेमस है? ये फेमस। और ये MM खान वगैरह आ गया जो ये तो सब बात के हैं। तो अच्छा ये बात के हैं? हाँ, ये तो बहुत बात के हैं। इनकी तो पीढ़ी चलती जा रही है कल्लू की होटल। अच्छा कल्लू की होटल पुरानी है। और खाना भी टेस्टी है? अच्छा चेक करना पड़ेगा कल्लू की होटल। बिल्कुल। क्या मिलता है कल्लू की होटल? मीट वगैरह मिलता है। अरे तूने यार बिल्कुल ही अटका दी यार बाबू यार। और इसी के बाद में वो सॉरी कोई बात नहीं, वो रहमानी मस्जिद के पास में MM खान वाला। MM खान तो फिर आगे रह गया ना? हाँ वो नहीं वहीं रह गया, वो रहमानी मस्जिद पड़ी थी ना सब पीछे रह गया, उससे आ गया पीछे रह गया। हाँ तो वो कल्लू की होटल पीछे रह गई और ये साइड में। और एक होटल वहाँ पे इसकी रामगढ़ मोड़ पे। किसकी? MM खान वाले की। अच्छा ये तो बड़े लोग हो गए। ये बड़ा हो गया भाई, अब बड़े लोग अब ज़्यादातर हाईफाई ये चलने लग गया। अच्छा हाईफाई चल रहा है? अब हाईफाई यही चल रहा है। कल्लू का जो नाम है ना वो धीरे धीरे इसने खत्म कर दिया। अच्छा इसकी वजह से कम हो गया? क्योंकि आज के दौर में आदमी शोहरत दिखावा ये ज्यादा ज्यादा ध्यान देता है, टिप टॉप वगैरह। तो वो कल्लू ने वो काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, उसकी औलादों ने काम नहीं किया। कह रही है तुम्हारे पर आ गया कल्लू वल्लू, तो सबाब भी मर गया, कल्लू भी मर गया। अच्छा अब तो औलादे चला रही है लेकिन नाम वही चल रहा है। नाम वही जयपुर में भी काफी ट्रैफिक रहता है। वो बात तो खूब हो गया, इस रिक्शा के बाद तो बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ट्रैफिक है। और दुनिया बसी हुई है यहाँ पे भाई साहब। हाँ सही है, यूपी से, MP से, गुजरात से, सब जगह से, दिल्ली से यहाँ है सारा आदमी। यहाँ का आदमी तो आपको 20% मिलेगा, वहाँ का आदमी 50% है। बाहर के लोग ज्यादा, बाहर के लोग ज्यादा, लोग ज्यादा होंगे तो भीड़। जो 5 साल यहाँ रुक गया वो समझ लो जाएगा नहीं, मैं वो इससे नहीं जा रहा हूँ। जाएगा जाएगा, क्योंकि एक तो लूट मार कम होती है यहाँ, लूट मार कम है, मोहब्बत ज्यादा है यहाँ, मोहब्बत ज्यादा है। अगर आपने रास्ता पूछ लिया तो आपको ये नहीं, तो आपको अगर हो सका तो आपको बंदा पूरे फेट छोड़ कर आएगा। अच्छा ये भाई साहब यहाँ से नहीं है, चलो मैं छोड़ दूँ, मैं आपको बता दूँ फलाने का। अच्छा जयपुर वाले इतने अच्छे लोग हैं। ये है जयपुर की खास बात है, ये यहाँ की मिठास है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यहाँ। यहाँ चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कास्ट का वो छोड़ कर आएगा। अच्छा अच्छा, लोग अच्छे हैं मतलब, बस कुल मिला के लोग अच्छे हैं। हाँ जो यहाँ आ गया वो यहीं का रह जाएगा। हाँ ये तो यहाँ तो इसके ऊपर ही आ गया। अब इधर जैसे आमेर, जेगढ़, नारगढ़ ये इधर का है, ये इधर है, इधर चांदपुर, छोटी चौपड़, ये सब फेमस इलाके आप बता रहे हो। ये फेमस है ये पूरे, अपन ये समझ लो जयपुर की नाक में हो आप इस टाइम पे बिल्कुल। अच्छा ये मेन जयपुर है? मेन जयपुर है, जो भी आदमी गुजरेगा वो यहीं से गुजरेगा और कहीं से नहीं गुजरेगा। हाँ यहाँ तो आना ही है उसको, यहाँ आएगा ही आएगा डेफिनेट, यहाँ तो आना है। वो दुनिया के कोई से भी कोने से आ जाए, इसे चौपड़ पे आना है, आना है। हाँ बड़ी चौपड़ तो आएगा, सिटी में घुसता है तो इसे यहाँ आना ही आना है। सही बात, कोई से दुनिया के कोई से भी कोने से आ जाए।
अगर इसे जयपुर में दाखिल होना है तो सीपी में तो यहाँ नहीं आना है। हाँ ये तो मेन जगह हो गई, ये तो मेन जगह। इधर की साइड किधर जाऊंगा, आप इधर चलो। उधर कौन किधर जाओगे आप? सुभाष चौक घुमा के छोड़ देना। तो ये आपका अपना है क्या गाड़ी? आपकी खुद की है सर। कब से चला रहे हो? मैं चला रहा हूँ करीबन, मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल? 5 साल पुराना है क्या ये? 6 साल पुराना है। 6 साल पुराना है। आपने लिया हुआ शुरुआत में? शुरुआत में लिया था 1,20,000 का। अच्छा 1,20,000 का था ये। अभी कितना? आपको 3 लाख रुपए के हैं। अभी बढ़ गया, 3 लाख हो गया। ये वाला 1,60,000 रुपए का ये वाला। अच्छा भाई ये सब अलग अलग जो चल रहे हैं ना। हाँ सब अलग अलग। 40 का है, कोई 2.5 का है, कोई 3 का है, कोई 1.5 का है। ऐसा है? वैसे मेरा मेन काम तो जवाहरात का है। जवाहरात करते हो क्या? कहाँ पे करते हो? बस छोड़ दिया अब काम, 4 साल से ही चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा 4 साल से ही काम। इधर छोड़ू उधर छोड़ू ये बताइए? इधर भी छोड़ दो आप, जिधर आपको निकलना उधर छोड़ दो, क्या दिक्कत है? उधर आप फिर आप इधर घूमो तो फिर मैं इधर ही छोड़ दूँगा। तो मैं तो घूम रहा हूँ जी।